जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथ ही सबसे पहले बात करते हैं बीएड के बारे में, यानी कि जो बीएड के 2021 और 23 के लिए एडमिशन होने हैं उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हमारा 18 जुलाई को होना है, तो हो सकता है उसकी डेट अभी आगे बढ़े, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो कराती है लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो उसने अभी टाइम मांगा है कि हमें एग्जाम की तैयारी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा। तो हो सकता है 90% चांसेस यही है कि अभी डेट आपकी आगे बढ़े, लेकिन अभी 18 तारीख ही है, 18 जुलाई है एंट्रेंस एग्जाम की डेट। अभी जैसे ही बढ़ेगी या कोई भी अपडेट होगी तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, कल एक यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, जो बच्चे एलएलबी वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो सेकंड सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था, यानी कि अपने फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उनके लिए एक और मौका दिया गया है। वो आज से अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एलएलबी 3 ईयर में उनका फर्स्ट सेमेस्टर और उनके फाइनल सेमेस्टर, यदि उन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो वो अपना एग्जाम फॉर्म फिर से भर सकते हैं। और जिन बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भर दिया था, उन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया था, तो वो भी करा सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 13 जुलाई, 13 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे आगे बात करें जो एलएलबी के एग्जाम को लेकर के ऑनलाइन होंगे, किस फॉर्मेट पे होंगे, ऑफलाइन किस तरीके से होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो उस पर आज फाइनल हो जाएगा। आज यूनिवर्सिटी में इसको लेकर मीटिंग है, इस पर जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, तो इसको लेकर आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा। दूसरा है, जो 8 जुलाई से हमारी परीक्षाएं स्टार्ट होनी है, तो उसमें आपकी बीए एलएलबी की परीक्षाएं अभी कैंसिल कर दी गई हैं, यानी कि बीए एलएलबी की जो हमारी परीक्षाएं 8 जुलाई से थी अभी उनको रद्द कर दिया गया है। बाकी सभी कोर्सेज की जैसे डेट शीट है उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है, यानी कि जिनकी 8 जुलाई से है उनके 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे एग्जाम, और जिनके 15 जुलाई से है उनके 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे। बस अभी जो कैंसिल हुई है वो बीए एलएलबी के लिए हुई है, तो आपकी बीए एलएलबी के लिए अभी जब रिवाइज डेट शीट जारी होगी तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। दूसरा है साथियों, जो हमारे हॉस्टल ओपन होने हैं वो कल से ओपन हो जाएंगे एग्जाम के लिए। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए कल से हॉस्टल ओपन कर दिए जाएंगे। हॉस्टल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ओपन होंगे जिनके एग्जाम है, यानी कि जिनके एग्जाम होने हैं सेकेंड ईयर या फाइनल सेमेस्टर के, तो जो हॉस्टल है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन होने हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।